गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट स्लीप स्पीड एंड स्लीप। दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर के संदर्भ में ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका जिक्र बार बार आता है, वो है स्लीप स्पीड और स्लीप। तो इनके बारे में जानते हैं, स्लिप स्पीड क्या है और स्लिप क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर को स्टेटर पर सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देयर इज़ अ फील्ड विच रोटेट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फील्ड इज़ रिजल्टेंट फील्ड, उसको बोलते हैं थ्री फेस रिजल्टेंट फ्लक्स। रिजल्टेंट फ्लक्स थ्री फेस के कारण जो उत्पन्न होता है या जो पैदा होता है उसका मान होता है 3/2φm आर 1.5φm, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। और ये जो फील्ड है इसका मान है 3/2φm, ये फील्ड रोटेट करता है। किस स्पीड से रोटेट करता है, उसी स्पीड को कहते हैं हम लोग सिंक्रोनस स्पीड, ns। और जो सिंक्रोनस स्पीड होता है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सिंक्रोनस स्पीड, इट इज़ मैथमेटिकली गिवन बाई 120f/p, वेयर 120 इज़ अ कॉन्स्टेंट, इट इज़ अ नंबर, ये एक संख्या है। F क्या है, ये जो सप्लाई दी जा रही है यहाँ पे स्टेटर पर, उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, एक होता है वोल्टेज और दूसरा होता है उसकी फ्रिक्वेंसी। ये सप्लाई सिस्टम में दो बातें मेंटेन की जाती हैं, वी हैव टू कीप वोल्टेज कॉन्स्टेंट एंड वी हैव टू कीप फ्रिक्वेंसी आल्सो कॉन्स्टेंट, बिकॉज मोटर इज़ डिज़ाइंड फॉर सर्टेन वोल्टेज and for certain frequency, so we have to keep voltage and frequency constant for any motor as long as it is not designed for variable voltage or variable frequency। तो ये हम voltage और frequency fix करके जब देते हैं तो ये three phase rotating field पैदा होता है, जिस जो कि synchronous speed से rotate करता है। और ये field synchronous speed से rotate करता है, rotor conductors को cut करता है field, तो rotor conductors में कहाँ है rotor conductors, यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायरल केज टाइप का रोटर है, बट स्लिप रिंग टाइप का रोटर भी हो सकता है, वहाँ पे भी लागू होता है। तो ये मोटर का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है, दिस पार्ट इज स्टेटर पार्ट एंड दिस पार्ट इज रोटर पार्ट। ये शाफ्ट है, धुरा है, जहाँ से हम इसको मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट करेंगे लोड में, लोड को देंगे, फैन चलाएँगे, बेल्ट चलाएँगे, पुली चलाएँगे या कंप्रेसर चलाएँगे, जो भी चीज़ चलाएँगे यहाँ पर उसको जोड़ देंगे, एंड दिस मोटर ट्रांसमिट्स मैकेनिकल पावर टू दैट लोड। अब ये रोटर घूमता है, दिस रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, किस दिशा में घूमता है, जिस दिशा में फील्ड रोटेट कर रहा है। ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की, फील्ड जो रोटेट करता है इट ऑलवेज रोटेट्स विद सिंक्रोनस स्पीड। काइंडली रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस फ्लक्स ऑलवेज रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। इसका स्पीड ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, कितना स्पीड से ये रोटेट करेगा, इट ऑलवेज रोटेट्स विद सिंक्रोनस स्पीड। अब ये सिंक्रोनस स्पीड जो होगा मोटर के लिए वो कितना होगा, ये डिपेंड करेगा दो बातों पर, एक होगा सप्लाई फ्रिक्वेंसी क्या है और दूसरी बात होगी वो होगी नंबर ऑफ पोल स्टेटर पर कितने हैं। तो सप्लाई की फ्रिक्वेंसी कितना है, अगर नॉर्मली मोटर में हम लोग जो है देते हैं कितना, 50 हर्ट्स नॉर्मली। हालांकि हम लोग आजकल ऐसे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव भी आ गए हैं मार्केट में, जिनसे कि फ्रिक्वेंसी को चेंज करके हम सिंक्रोनस स्पीड को भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन सामान्यतः कॉमन यूजर के लिए फ्रीक्वेंसी इज नॉट वेरिएबल, इट इज़ कांस्टेंट। तो 120 × 50 कर देंगे, नीचे पी कर देंगे पी। तो यहाँ पे मैंने बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि स्टेटर इज़ डिज़ाइंड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पोल एंड रोटर इज़ आल्सो डिज़ाइंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल इन केस ऑफ स्लिप रिंग टाइप रोटर। स्क्वायरल केज टाइप रोटर में पोलों को नहीं बनाया जाता है रोटर पे, वो पोल उतने डेवलप हो जाते हैं जितने पोल हमने स्टेटर पर डिज़ाइन किए होंगे, बट स्लिप रिंग टाइप के रोटर में हमको रोटर पर भी उतने पोल बनाना पड़ता है जितना कि स्टेटर पर हमने बनाया।
तो पोलों की संख्या भी सामान्यतः मोटर में बदली नहीं जाती है। एक बार मोटर का जब डिज़ाइन हो जाता है तो उसी समय हम पोलों की संख्या फिक्स कर देते हैं, या तो 2 या 4 या 6 या 8 जो भी होगा वो हम अपने स्पीड रिक्वायरमेंट के आधार पर फिक्स करते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड रिक्वायरमेंट, एट व्हाट स्पीड वी हैव टू रोटेट दिस मोटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड रिक्वायरमेंट वी फिक्स द नंबर ऑफ पोल ऑन स्टेटर एंड रोटर बोथ। तो पोल भी फिक्स कर देते हैं। तो किसी भी मोटर के लिए सिंक्रोनस स्पीड जो है NS, इट इज़ कॉन्स्टेंट। अगर पोलों की संख्या 2 होगी तो मोटर के लिए सिंक्रोनस स्पीड कितना होगी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होने के लिए, 50 हर्ट्ज़ सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर है, इनके सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज़, देन सिंक्रोनस स्पीड फॉर अ मोटर इन विच नंबर ऑफ पोल आर 2 एंड फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ देंगे और पोलों की संख्या 2 होगी तो उसके लिए सिंक्रोनस स्पीड कितना होगी, 3000 RPM, 3000 RPM पे ये फील्ड रोटेट करेगा। ये फील्ड 3000 RPM से ना कम रोटेट करेगा ना ज़्यादा। इट्स अ स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट। लेकिन मोटर जो होता है या जो रोटर होता है जिसकी हम बात करते हैं कि मोटर किस स्पीड पर घूम रही है, तो मोटर के घूमने की जो स्पीड होती है वो दरअसल रोटर के घूमने की स्पीड होती है। इसके एट व्हाट स्पीड दिस रोटर इज़ रोटेटिंग, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ द मोटर। इसको हम डिनोट करेंगे रोटर की स्पीड, रोटर की जो स्पीड होगी हम उसको डिनोट करेंगे NR, N फॉर स्पीड इन RPM, R फॉर रोटर। रोटर की स्पीड को ही मोटर की स्पीड बोलते हैं, ठीक है। फील्ड की स्पीड को मोटर की स्पीड नहीं बोलते हैं। फील्ड की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ नॉट वेरिएबल, दैट इज़ कांस्टेंट। जब तक कि फ्रिक्वेंसी न चेंज करें और पोलों की संख्या न चेंज करें, सिंक्रोनस स्पीड इज कांस्टेंट फॉर एवरी मोटर एज लॉन्ग एज फ्रिक्वेंसी इज फिक्स्ड एंड नंबर ऑफ पोल्स आर फिक्स्ड। तो सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है रोटर की स्पीड, ये कम ज़्यादा हो सकती है। मोटर नहीं चल रही है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 0 व्हेन मोटर इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल, सो रोटर्स स्पीड इज 0। और मैक्सिमम किस स्पीड पर मोटर चल सकता है, ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। रोटर की जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो हो सकती है सिंक्रोनस स्पीड NS, और NS किसकी स्पीड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। सो काइंडली रिमेंबर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रोटेट्स विथ सिंक्रोनस स्पीड, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रोटर आल्सो रोटेट एट द सेम स्पीड। रोटर भी उसी स्पीड पर घूमे जिस स्पीड पे फील्ड घूम रहा है, आवश्यक नहीं है। रोटर की स्पीड उससे कम हो सकती है, कम ही होती है इनके इनफैक्ट। सो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर या उससे कम होती है, बराबर भी नहीं होती है जनरली, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया कि रोटर जो है उसके घूमने की स्पीड जब सिंक्रोनस स्पीड हो जाती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर दोनों के घूमने की स्पीड सेम होने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटर कंडक्टर को कट नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए इस डायग्राम में, मान लीजिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में रोटेट कर रहा है, किस स्पीड से, सपोज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन विथ स्पीड NS। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को हम क्या कहते हैं, NS, सिंक्रोनस स्पीड। अब अगर रोटर नहीं रोटेट कर रहा है तो ये फील्ड जो है, अगर दो पोल का है तो यहाँ से लाइनें जाएंगी इधर की तरफ और ये लाइनें क्या करेंगी, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेंगी। तो लाइनें जो रोटेट करेंगी या जो फील्ड रोटेट करेगा ये रोटर कंडक्टर्स हैं, दीज आर रोटर कंडक्टर्स। रोटर कंडक्टर कौन हैं, ये हैं, दीज आर रोटर कंडक्टर्स। इन कंडक्टर्स को फील्ड किस स्पीड से कट करेगा, इन कंडक्टर्स को फील्ड कट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से, कब, जब मोटर रोटेट नहीं कर रहा है, व्हेन दिस पार्ट इज नॉट रोटेटिंग। अगर ये घूम नहीं रहा है रोटर तो फील्ड जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से कट करेगा, लेकिन जब रोटर रोटेट करने लगेगा तो रोटर के रोटेट करने की जो स्पीड होती है, हमने बताया कि रोटर के रोटेट करने की स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं NR से। NS क्या है, इट इज़ द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड।
एनआर क्या है, इट इज़ द स्पीड ऑफ द रोटर, इसी की स्पीड को ही हम मोटर की स्पीड भी बोलते हैं, इट इज़ द स्पीड ऑफ द शाफ्ट, इट इज़ द स्पीड ऑफ द रोटर, इट इज़ द स्पीड ऑफ द मोटर। तो मोटर की स्पीड है एनआर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है एनएस। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड एनएस है वो जनरली कांस्टेंट होती है। इफ़ सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ पोल आर कांस्टेंट देन सिंक्रोनस स्पीड इज कांस्टेंट फॉर एनी मोटर, बट एनआर इज नॉट कांस्टेंट, एनआर डिपेंड्स ऑन द स्पीड, स्पीड ऑफ द मोटर। अभी मोटर नहीं चल रही है, सपोज मोटर रुकी हुई है तो एनआर का मान होगा जीरो, लेकिन मोटर जैसे जैसे स्पीड पकड़ती जाएगी एनआर का मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम एनआर का मान कितना हो सकता है, एनआर का मैक्सिमम मान हो सकता है एनएस, इट कैन नॉट बी मोर देन एनएस। एनआर का मान जब एनएस के बराबर होगा तो रोटर के घूमने की जो स्पीड है और रोटेटिंग फील्ड के घूमने की जो स्पीड है दोनों की स्पीड सेम होगी। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच रोटेट्स एट एनएस एंड द रोटर विच इज़ रोटेटिंग एट सेम स्पीड एनएस, दोनों की स्पीड अगर समान है तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में स्थिर हैं, दे आर स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो फ्लक्स लाइनें जो होंगी, ये जो फ्लक्स लाइनें हैं, अगर इनके घूमने की स्पीड और रोटर की स्पीड सेम है तो ये लाइनें इन कंडक्टर्स को कट नहीं करती हैं और इस वजह से इन कंडक्टर्स में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से EMF इंड्यूस नहीं होता है और इनमें करंट पैदा नहीं होती हैं और इनमें टार्क डेवलप नहीं होता है। तो ये जो NR इक्वल टू NS की कंडीशन है, इस कंडीशन में व्हेन NR इक्वल टू NS मैग्नेटिक फील्ड्स स्पीड, रोटेशन स्पीड एंड द रोटर्स स्पीड दे आर इक्वल, दोनों की स्पीड समान है, रोटेटिंग फील्ड जो स्पीड से घूम रहा है और रोटर जिस स्पीड से घूम रहा है अगर दोनों की स्पीड समान है तो रोटेटिंग फील्ड रोटर कंडक्टर को कट नहीं करेगा, रोटर कंडक्टर में कोई करंट पैदा नहीं होगी, कोई टार्क पैदा नहीं होगा और मोटर का रोटर जो होगा फिर स्लो होगा। तो स्लो होगा तो रोटेटिंग फील्ड क्या करेगा, फिर कट करने लगेगा तो फिर EMF पैदा होगा, फिर करंट पैदा होगी, फिर स्पीड बढ़ेगी। तो इस प्रकार से दिस मोटर ऑलवेज ट्राइज टू रन क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, बट दिस मोटर नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज दिस मोटर फेल्स टू डेवलप टार्क ऑन रोटर, टार्क रोटर पर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचने पर नहीं पैदा होता है, इस वजह से ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल पाती है, उससे कम स्पीड पर चल पाती है। तो रोटर की जो स्पीड है इट इज़ ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। तो ये जो स्पीड का दोनों का जो अंतर है इसी अंतर को कहते हैं स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड इज डिफाइंड एज, ये हमने सिंक्रोनस स्पीड की बात की थी थोड़ी देर पहले, सो हाउ टू कैलकुलेट सिंक्रोनस स्पीड फॉर अ मोटर, इट इज़ 120 एफ अपान पी, 120 इज अ कॉन्स्टेंट या फेज सप्लाई फ्रिक्वेंसी, पी द नंबर ऑफ पोल, अगर दो पोल का है सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो सिंक्रोनस स्पीड होगी 3000। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स। अगर नंबर ऑफ पोल चार हैं सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 है तो सिंक्रोनस स्पीड होगी 1500। ऐसी मोटर 1500 आरपीएम से थोड़ा सा कम पे चलेगी, और जिस मोटर के लिए सिंक्रोनस स्पीड 3000 है वो मोटर 3000 आरपीएम से थोड़ा कम 2850 2900 ऐसे आरपीएम पे चलेगी, 3000 पे नहीं चल सकती है क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर में टार्क डेवलप नहीं होता है, और जिसका सिंक्रोनस स्पीड 1500 है उसका रोटर चलेगा 1500 से थोड़ा कम। तो ये जो स्लिप स्पीड है उसकी बात हम कर रहे थे, व्हाट इज़ स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड देखिए क्या है, ये है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, स्लिप स्पीड क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स स्पीड एंड रोटर्स स्पीड, एन एस माइनस एन आर, दिस इज़ कॉल्ड स्लिप स्पीड। काइंडली रिमेंबर स्लिप स्पीड क्या है,
एन एस माइनस एन आर इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड वह स्पीड होता है जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर को कट करता है, रोटर कंडक्टर्स को कट करता है। मान लीजिए कि सिंक्रोनस स्पीड किसी मोटर के लिए 3000 आरपीएम है, दो पोल की है और उसमें सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है और मोटर रन कर रही है 2800 आरपीएम पर। मोटर रन कर रही है 2800 आरपीएम पर मतलब मोटर का रोटर रन कर रहा है 2800 आरपीएम पर। तो इनका जो अंतर होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और रोटर की स्पीड, दोनों का अंतर कितना हो गया, 3000 माइनस 2800 इक्वल टू 200 आरपीएम। यही वह स्पीड होता है जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को कट करता है, वही स्पीड कहलाती है स्लिप स्पीड। ये सापेक्षिक गति है, दिस इज रिलेटिव मोशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। इसी स्पीड से रोटर के सापेक्ष में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस गति से आगे बढ़ रहा है, 200 आरपीएम, क्योंकि 2800 से रोटर घूम रहा है, 3000 से फील्ड घूम रहा है, तो रोटर के सापेक्ष में फील्ड किस स्पीड से घूम रहा है, 200 आरपीएम से। तो यही होता है स्लिप स्पीड, दिस इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। और इसका मात्रक क्या होगा, आरपीएम, क्योंकि ये स्पीड का अंतर है। सो यूनिट ऑफ स्लिप स्पीड इज आरपीएम एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर्स स्पीड, रिमेंबर। तो इसी स्पीड से फील्ड जो है रोटर कंडक्टर को कट कर रहा है, वही होता है स्लिप स्पीड। इसी स्पीड से रोटर के सापेक्ष में फील्ड आगे बढ़ रहा है, या ये कह सकते हैं इसी स्पीड से रोटर फील्ड के सापेक्ष में पीछे फिसल रहा है, स्लिप हो रहा है पीछे, बैकवर्ड, इट इज स्लिपिंग बैकवर्ड और फील्ड इज स्लिपिंग फॉरवर्ड विद दिस स्पीड, दिस इज कॉल्ड स्लिप स्पीड एंड इट्स अ यूनिट इज आरपीएम। स्लिप स्पीड जितना अधिक होगा, काइंडली रिमेंबर, स्लिप स्पीड जितना अधिक होगा मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को उतना ज़्यादा आरपीएम से कट करेगा, और स्लिप स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आरपीएम से रोटर कंडक्टर को फील्ड कट करेगा और उतना ज़्यादा रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। और स्लिप स्पीड जितना कम होगी, अभी रोटर अगर नहीं घूम रहा है तो एनआर इक्वल टू जीरो, तब स्लिप स्पीड कितना होगी, तब होगी स्लिप स्पीड 3000 आरपीएम। व्हेन रोटर इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल एंड सिंक्रोनस स्पीड इज 3000 आरपीएम, देन स्लिप स्पीड इज 3000 आरपीएम। ठीक है, व्हेन रोटर इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल एनआर इक्वल टू जीरो, सो स्लिप स्पीड इज इट इज इक्वल टू एनएस। ये है स्लिप स्पीड जब रोटर नहीं घूम रहा है तो। और रोटर मैक्सिमम किस स्पीड से घूम सकता है, सिंक्रोनस स्पीड पर, तो उस समय स्लिप स्पीड कितना होगा, व्हेन रोटर इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड देन स्लिप स्पीड इज जीरो। 3000 आरपीएम से ये घूम रहा है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स किस स्पीड से घूम रहा है, 3000 आरपीएम से। रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, इट इज़ आल्सो रोटेटिंग एट 3000 आरपीएम। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 3000 माइनस 3000, इट इज़ जीरो। तो स्लिप स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर कितना होती है, जीरो। स्लिप स्पीड जब मोटर नहीं चल रहा होता है तो कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। सो स्लिप स्पीड वेरीज बिटवीन जीरो टू सिंक्रोनस स्पीड। जीरो कब होती है स्लिप स्पीड, स्लिप स्पीड जीरो तब होती है जब रोटर घूमता है सिंक्रोनस स्पीड पर, ये। और स्लिप स्पीड एनएस कब होती है, व्हेन रोटर इज नॉट रोटेटिंग। यही दो कंडीशन होगी मोटर में, या तो मोटर चल नहीं रही है और या तो मोटर मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड पर चल रही है। जब मैक्सिमम स्पीड पर मोटर चल रही है तो स्लिप होगा जीरो, स्लिप स्पीड होगा जीरो, और जब मोटर नहीं चल रहा है, व्हेन एनआर इज जीरो, देन स्लिप स्पीड इज एनएस। सो स्लिप स्पीड वेरीज बिटवीन जीरो टू एनएस और एनएस टू जीरो, वट एवर यू कॉल। तो नहीं चल रहा है तो स्लिप स्पीड एनएस, फुल चल रहा है सिंक्रोनस स्पीड पे तो स्लिप स्पीड जीरो, इट्स अ वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो एंड एनएस, दिस इज कॉल्ड स्लिप स्पीड एंड इट्स यूनिट इज आरपीएम। सामान्यतः मोटर जब चलती है तो स्लिप स्पीड इतना होती है, 100 आरपीएम, 150 आरपीएम, 200 आरपीएम, ऐसे ना जीरो होती है
और ना ही एनएस होती है, इट इज समवेयर फ्यू हंड्रेड आरपीएम, फ्यू हंड्रेड, सौ, डेढ़ सौ, दो सौ, दिस इज कॉल्ड स्लिप स्पीड, रिमेंबर। तो स्लिप स्पीड इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं स्लिप। सो व्हाट इज स्लिप? मैथमेटिकली जो स्लिप होता है इसको हम लोग देते हैं फार्मूला एन एस, दिस इज स्लिप इज, इट इज इक्वल टू एन एस, एन एस, एन एस माइनस एन आर। एन आर क्या है? रोटर की स्पीड। एन एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। और इसका जब सिंक्रोनस स्पीड से अनुपात लेते हैं तो इसी को कहते हैं स्लिप। रिमेंबर, स्लिप इज डिफाइंड एज, स्लिप इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। स्लिप क्या है? स्लिप क्या है? स्लिप सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के स्पीड का अंतर है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड के अनुपात के रूप में लिखा जाता है, उसको कहते हैं स्लिप। स्लिप इज डिफाइंड एज, स्लिप इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर्स स्पीड एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, दिस इज कॉल्ड स्लिप। And this is very very important. Slip is an indicator of rotor's speed with respect to synchronous speed. Synchronous speed के सापेक्ष में slip जो होता है वो rotor की speed का indicator होता है, सूचकांक होता है, सूचक होता है। अगर आपको synchronous speed मालूम है और slip मालूम है तो आप motor की speed को पता कर सकते हैं। You can find the speed of the motor if synchronous speed is known and slip is known. तो ये होता है स्लिप। अब्सोल्यूट वैल्यू होती है स्लिप की, दिस इज दी अब्सोल्यूट वैल्यू। निरपेक्ष मान ये होता है कितना, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। एन एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। एन आर क्या है? रोटर स्पीड। और ये एन एस नीचे लिखा गया है। तो ये होता है स्लिप, अब्सोल्यूट वैल्यू होता है। प्रतिशत में भी हम समटाइम्स लिखते हैं, समटाइम्स वी राइट स्लिप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। प्रतिशत में भी स्लिप लिखते हैं, तो स्लिप को प्रतिशत में लिखना होगा तो क्या करेंगे, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, तो ये स्लिप जो होगा ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लिप परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज। तो स्लिप का मान जब मोटर नहीं चल रहा होता है तो उस समय होता है 1, इट इज 1 व्हेन मोटर इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल, देन स्लिप्स वैल्यू इज 1। कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से निकाल लो। एन आर का मान 0 रख दीजिए इस फार्मूले में। एन आर का मतलब, एन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आर इक्वल टू 0? एन आर इक्वल टू 0 मीन्स, एन आर इक्वल टू 0 का मतलब है मोटर इज नॉट रनिंग, रोटर इज नॉट रोटेटिंग। ऐसी कंडीशन में जब मोटर नहीं रोटेट कर रहा होता है तो स्लिप का मान होता है 1। और मोटर रोटेट करने लगेगा तो रोटेट करते करते मैक्सिमम किस स्पीड पर जा सकता है, इट इज सिंक्रोनस स्पीड, उस समय स्लिप का मान होता है 0। कैसे पता चला? इस फार्मूले में एन आर इक्वल टू एन एस रख दो, रोटर्स स्पीड मैक्सिमम स्पीड इज एन एस, मोटर्स रोटर मैक्सिमम स्पीड एट विच इट रोटेट्स इज एन एस। एन आर इक्वल टू एन एस रख दीजिए तो ये फार्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन एस इक्वल टू 0, स्लिप इज 0। सो स्लिप जनरली इन केस ऑफ अ मोटर इट्स अ वैल्यू वेरीज बिटवीन 1 एंड 0। स्लिप का मान 1 के जितना नज़दीक होगा इसका मतलब मोटर की स्पीड उतना कम है, स्पीड इज लेस। और स्लिप का मान 0 की तरफ जितना जाएगा इसका मतलब है कि मोटर की स्पीड उतना अधिक है। इफ़ स्लिप इज 1 मोटर इज नॉट रोटेटिंग, एंड इफ स्लिप इज 0 मोटर इज रोटेटिंग विथ मैक्सिमम स्पीड, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। तो स्लिप का मान 1 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब स्पीड घट रही है,
और स्लिप का मान अगर जीरो की तरफ जा रहा है इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। सामान्यतः मोटर में स्लिप का मान जो है हम लोग निकालते हैं परसेंटेज में लिखते हैं प्रतिशत में, तो सामान्यतः मोटरों के लिए स्लिप का जो मान होता है 0.5% से लेकर के 5-6% तक होता है परसेंटेज। और अब्सोल्यूट वैल्यू में अगर आप लिखेंगे अब्सोल्यूट वैल्यू में स्लिप का मान 0.005, ये वैल्यू है अब्सोल्यूट वैल्यू से 0.06, दिस इज अब्सोल्यूट वैल्यू। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी राइट स्लिप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत में लिखते हैं सामान्यता। तो मोटर की स्लिप जो फुल लोड पे स्लिप होती है जनरली 5.5% से 6% के आसपास होती है। जो मोटर ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की होती हैं उनकी फुल लोड पे जो स्लिप होती है कम होती है, परसेंटेज कम होता है, लगभग इट इज़ क्लोज टू 1%। और मोटर जो कम कैपेसिटी की होती हैं, कम पावर की होती हैं, उनका स्लिप जो है फुल लोड पे जनरली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 5%, 6%, 7%। तो स्लिप का प्रतिशत मान जितना अधिक होगा मोटर की स्पीड उतना ही कम होगी, ठीक है। सो स्लिप इज़ एन इंडिकेटर ऑफ मोटर से स्पीड, मोटर की स्पीड का सूचक है, ये सूचकांक है सिंक्रोनस स्पीड के सापेक्ष। अगर आपको स्लिप मालूम है तो आप मोटर की स्पीड को निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था स्लिप का फार्मूला होता है ns minus nr upon ns, दिस इज द फार्मूला फॉर स्लिप s। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा SNS = NS - NR, SNS = NS, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा NS - NR = SNS, ऐसे हो जाएगा सॉल्व करने से। इफ यू सॉल्व दिस रिलेशनशिप देन यू गेट दिस, इसको और सॉल्व करो, NR को उधर ले जाओ, SNS को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा क्या NR = NS कॉमन ले लो बाहर, NS कॉमन ले लो बाहर, तो ये क्या हो जाएगा NS कॉमन ले लो बाहर, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - S। ये है रोटर की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप, इनका आपस में ये रिलेशन देखिए। अगर आपको सिंक्रोनस स्पीड मालूम है किसी मोटर के लिए और स्लिप मालूम है स्लिप, तो आप मोटर की स्पीड को निकाल सकते हैं NR। देखिए दिस फार्मूला NR = NS * 1 - S, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, काइंडली रिमेंबर दिस फार्मूला। दिस फार्मूला इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन सिंक्रोनस स्पीड इज नोन एंड स्लिप इज नोन। सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालेंगे, 120 f/P, यू नो हाउ टू फाइंड आउट सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ रख दीजिए। स्लिप अगर आपको मालूम है तो आप मोटर की स्पीड को पता कर सकते हैं। इफ़ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर अ मोटर देन यू कैन फाइंड आउट स्पीड ऑफ द मोटर। सो दैट इज़ वाई स्लिप इज़ एन इंडिकेटर ऑफ स्पीड ऑफ द मोटर। अगर आपको स्लिप मालूम है तो आप मोटर की स्पीड निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि आपको मोटर की सिंक्रोनस स्पीड भी मालूम होनी चाहिए, पोल कितने हैं, फ्रिक्वेंसी कितना दे रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो स्लिप का मान जितना अधिक होगा मोटर की स्पीड उतना कम होगी, याद रखिएगा। और स्लिप का मान जितना कम होगा मोटर की स्पीड उतना अधिक होगी। स्लिप का मान जीरो होगा तो मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होगी, और स्लिप का मान 1 होगा तो मोटर की स्पीड 0 होगी, मोटर नहीं चल रही होगी।
इस प्रकार से स्लिप के बारे में जानकारी अगर आपको है तो आप मोटर की स्पीड के बारे में जानकारी रखते हैं। और जब नो लोड पे मोटर चल रहा होता है, नो लोड पे मोटर पे नो लोड रखते हैं तो मोटर की स्लिप जो होती है कम होती है। नो लोड पे स्लिप कम क्यों होती है? क्योंकि नो लोड पे रोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के काफ़ी क्लोज होती है नो लोड पे। लेकिन जैसे ही आप मोटर के शाफ्ट पे लोड लगाते हैं, तो क्या होता है? जब आपने लोड नहीं लगाया था यहाँ पे, तो मोटर बहुत फ्रीली घूम रहा था, फ्रीली, देयर इज़ नो अपोजिशन, आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कब? नो लोड पे। केवल बियरिंग का घर्षण होगा, थोड़ा सा एयर फ्रिक्शन होगा, बट नो लोड पे मोटर की स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा, तो ये स्लिप का मान काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ लोड लगाओगे, पुल्ली, फैन या उस पर कुछ और लोड लगाओगे, कंप्रेसर, जैसे ही लोड लगाओगे वो क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ टार्क डेवलप होता है, उसकी वजह से पीछे की तरफ बल लगता है, तो स्पीड थोड़ा सा मोटर की घटने लगती है। स्पीड ऑफ द मोटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा घटने लगती है, तो क्या होगा, स्लिप का मान थोड़ा बढ़ने लगता है। तो नो लोड पे स्लिप जो होती है थोड़ा सा कम होती है, फुल लोड पे स्लिप जो होती है थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन स्लिप के बीच में जो अंतर होता है बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम अंतर आता है। इसलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर नो लोड पे, फुल लोड पे लगभग उतने ही स्पीड पे चलती है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। सो स्लिप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिमेंस कांस्टेंट, इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नॉट एग्जैक्टली, बट इट्स वेरिएशन इज वेरी लेस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। सो दिस मोटर इज़ अ कांस्टेंट मोटर, कांस्टेंट स्पीड मोटर। दिस मोटर रन्स एट ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा स्पीड गिरती है इसकी, थोड़ा सा कम होती है स्पीड नो लोड से फुल लोड तक, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कम होती है। इसलिए थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्लिप में जो है बहुत ज़्यादा नो लोड से फुल लोड के बीच में वेरिएशन नहीं आता है। दिस इज़ कॉल्ड स्लिप, दिस इज़ एन इंडिकेटर, स्लिप स्पीड एंड स्लिप दे आर इंडिकेटर ऑफ स्पीड ऑफ द मोटर विथ रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड के सापेक्ष में स्लिप जो होता है वो और मोटर की स्पीड का सूचकांक होता है। इसका मान जितना कम होगा समझिए मोटर उतना स्पीड पे चल रही है, और इसका मान जितना अधिक होगा समझिए मोटर की स्पीड उतना कम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लिप स्पीड एंड स्लिप, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली रिमेंबर व्हाट इज स्लिप स्पीड एंड व्हाट इज स्लिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।